हेलो गाइस, वेलकम टू देजी मेडिनीस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आशीष चंचलानी के बारे में और मार्वल इंडिया के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था केविन फाइगी बोल रहे हैं एवेंजर 4 की डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करेंगे। अब ये रूल मार्केटिंग वाला सब कंट्री में अप्लाई होता है, मार्वल स्पेन में हो या मार्वल इंडिया हो या मार्वल यूके हो या मार्वल यूएस हो। उसके बाद तुरंत ही मार्वल इंडिया ने आशीष चंचलानी को कॉल करा, मीटअप करा और आशीष चंचलानी ने तुरंत उस मीटअप के बाद स्टोरी डाली जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था जिसका थंबनेल है ये जो कि आप रिसेंट में देख रहे हो। आशीष चंचलानी ने बताया अपनी स्टोरी में कि मैंने मार्वल इंडिया के संग मीटिंग करी और हम काफी कुछ बड़ा करने वाले हैं और यकीन नहीं बता सकता कि आपको वो क्या है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। कुछ ही घंटे बाद आशीष चंचलानी की वो स्टोरी डिलीट कर दी गई। अब ये स्टोरी क्यों डिलीट हुई इसका रीजन आज तक पता नहीं चला, बट मेरे हिसाब से रीजन यही हो सकता है कि आशीष चंचलानी को उस चीज की परमिशन नहीं मिली और आशीष चंचलानी ने कुछ चीजें रिवर्ट कर दी, इसलिए मार्वल इंडिया ने उनसे बोला होगा कि आप वो स्टोरी डिलीट मार दीजिए क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है कि जिससे कि आप एवेंजर 4 की कोई भी चीज के बारे में बात करो या फैंस को हिंट दो। फिर उसके बाद कुछ नया हुआ। फाइनली आशीष चंचलानी ने एक दिन पहले ही, जिसपे मैं वीडियो बना भी चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ जाएगा, तो आशीष चंचलानी ने यहाँ पर एक्टिंग करी। फाइनली ये मार्केटिंग का प्लान था कि आशीष चंचलानी ने यहाँ पर ट्रेलर के बारे में बात कर रहे थे कि मार्वल इंडिया कब ट्रेलर लॉन्च करोगे, मुझे लग रहा था 8 ट्रेलर लॉन्च होगा और फाइनली मार्वल इंडिया आंसर भी दे देता है, जबकि मार्वल इंडिया इतनी जल्दी की आंसर नहीं देता है, ये बात आपको भी पता है, वो बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है। फिर भी ये सब जो आशीष चंचलानी ने वीडियोस बनाई, मम्मी ट्रेलर कहाँ है, कबर्ड में रख रखा है, काम वाली आंटी से पूछना, तो ये सब मुझे एक कॉमेडी लगती है। और काफी फैंस ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला इंस्टाग्राम पर कि भाई आशीष चंचलानी जो भी कर रहा है वो सब एक नाटक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 4-5 दिनों में या 1 वीक के अंदर हमें ट्रेलर देखने वाला है और आशीष चंचलानी जो भी कर रहा है वो सिर्फ एक मार्केटिंग प्लान है जो कि मार्वल इंडिया की बीच की डीलिंग हुई थी। अब धीरे धीरे ये चीज और भी आगे जाके बढ़ती जाएगी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।